Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Okay, आपसे एक और सवाल है बाबा. While in your absence, many films was released. So once you're back, कोई particularly एक दो कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपने बोला काश ये इस फिल्म में मैं होता. मैं समझा नहीं यार की कह रहे हैं. मैं पूछे कि जदों तुसी वापस आए हो तो सा एंजू के पिक्चर देख के थानू लगे कि इस पिक्चर काश मैं होवा. इतनी वड्डी वड्डी पिक्चर लगी हैं ते थानू के देख के लगे कि मैं होवा पिक्चर. बिल्कुल यार बैटमैन देख के मैं इस तरह लगे. संजू डोंट यू थिंक यू आर टू यंग टू बी अदिति's फादर. Wow. Of course I'm young to be a father, but I'm just playing a character. You forget that? Sir, aapki life jo hai kafi ups and downs wali rahi hai. Pichle aur rangeen bhi rahi hai yaar. Hopefully wo dat mein dekhne ko milegi. Sir, main janna chahunga ki jab aap jail se bahar aaye to kitne betaab the ki aap स्क्रीन पर लौटें और शूट सेट के शूटिंग पर लौटें, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा से आपने इतने सालों तक 35 साल तक फिल्मों में काम किया है, तो कितना वेट कर रहे थे कि मैं पहली फिल्म में और पहले सेट पे पहुंचूं, और पहले दिन जब आप सेट पे पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी उस दौरान? वेल, मैं बेताब तो नहीं था वापस सेट पर पहुँचने के लिए, क्योंकि दाल चावल मेरी बीवी दे देती थी खाने के लिए यार. और लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि जो पिक्चर जो पहली आएगी एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हो, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, वो ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद में बोल सकता है. लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, बंटी वालिया रा, अपना बंसल साहब और बिट्टू. तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की.